हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास क्या है, देखिए ये है एक दवा जिसका नाम है डाइजीन, और ये एक एंटा एसिड है, यानी कि एसिडिटी को ये कम करता है। और ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, पेट दर्द की दवा है, सिर दर्द की दवा है, कौन से ऐसी हमारे बॉडी के पार्ट है जिसकी दवा नहीं है। हर एक बॉडी के पार्ट की दवा है। सोचिए, अगर ये दवा ना होती तो आजकल जितनी सारी बीमारियां ये फैली हुई हैं, इसका क्योर कैसे होता, क्या आपने कभी सोचा है? डिफरेंट टाइप के, जैसे बुखार के लिए एक दवा है, तो उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां भाई अपनी अपनी मेडिसिन बनाती हैं, सेल करती हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है, ये जितने आसानी से हम लोग ऐसे तोड़ कर ऐसे ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे खा लिया, भाई ये तो एंटा एसिड है, सिंपल एंटा एसिड, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फाड़ के ऐसे खा लिया इतना आसानी से, क्या हमें क्या लगता है कि इतनी आसानी से दवा बन जाती है? तो आज मैं इसी पे पूरा डिटेल बात करूँगा कि ये दवा जो यहाँ तक आई है, आती कैसे है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो इन सभी के बारे में पूरा मैं डिटेल बात करूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, प्लीज एंड तक जरूर देखना, इससे बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलने वाला है। डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हाँ, बुखार की अलग दवा, सिर दर्द की अलग दवा, पेट दर्द की अलग दवा, गैस की अलग दवा, बहुत सारी दवाएं हैं। और अभी जो मैं लिया हूँ, मुँह में खाया हूँ, दवा का नाम तो आपके भी आपको बता दिया मैंने कि ये डाइजीन है एज एंटा एसिड, सिंपल एंटा एसिड भाई। तो इतनी सारी दवाएं हैं, सोचिए तो ये दवाएं आती कैसे, आज पूरा डिटेल में मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना, तब तक मैं ये दवा खा लेता हूँ। इसको आप चीविंग भी कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं। तो जिस तरह से मैं चबा सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी ऐसी दवा है जो ज़ुबान पर रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म है। तो ये इतनी सारी दवाएं जो आप लोग देखते हैं, सीरप है, कप का सीरप है, और डिफरेंट टाइप के सीरप्स हैं, पाउडर्स हैं। तो क्या जितने आसानी से हम लोग इसको खा रहे हैं, ले रहे हैं, क्या इतनी आसानी से दवाएँ बन जाती हैं? ऐसा नहीं है। जो ये दवा आप लोग खाते हैं ना, वो दवा मार्केट में आते आते उसके 12 से 15 साल लगते हैं। और सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले होता है भाई, जान मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, हमको मिल गया, हाँ हमको नहीं, मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं, मैं भी इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट बनूँ, क्योंकि मैं मास्टर इन फार्माकोलॉजी यानी फार्मेसी से मास्टर कर रहा हूँ। तो हो सकता है इन फ्यूचर, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएँ रहीं तो ज़रूर बन जाऊँगा। तो जो दवाएं हैं उनके लिए पहले हमें मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें जो किसी बीमारी के लिए, स्पेसिफिक बीमारी के लिए बना हो जो मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल से उसका उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसके अंदर क्वालिटी हो, और उसको बोलते हैं हम मेडिसिन। और ये सारी चीज़ें मेडिसिनल प्लांट में मिल सकती हैं, किसी केमिकल्स में मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ों में मिल सकती है। तो वो होता है न्यू ड्रग डिस्कवरी, एक ब्रांच है वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो यही काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक मॉलिक्यूल मिल गया, ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल पता चल गया कि भाई इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि भाई उसको करना पड़ेगा प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग। सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है कि भाई अब ये मुझे ड्रग, ये मतलब ड्रग हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ये मुझे ये मॉलिक्यूल जो मिला है, क्या इसका इसका साइट ऑफ रिसेप्टर, देखिए हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी दवा जब हम लेते हैं अंदर, तो जो दवा सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे बॉडी में, पूरी जगह। तो उसका हर दवा का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ऐसा कि नहीं कि मान लीजिए आपको बुखार है, दवा खा लिए तो भाई आपको खून ब्लड में भी क्लॉटिंग हो गया, कुछ और हो गया। तो बुखार की दवा है तो टेम्परेचर को ही घटाएगी,
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और सारी जो दवाएं होती है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं और अपना इफेक्ट दिखाती है। तो इसी के लिए हमें क्या, हर एक नए मॉलिक्यूल जो आता है उसका रिसेप्टर पहले ढूंढना पड़ता है, भाई रिसेप्टर कौन सा है, कितना कौन सा स्पेसिफिक रिसेप्टर है, यू नो। तो रिसेप्टर हमें मान लीजिए मिल गया भाई, अब रिसेप्टर मिल गया, अब क्या करें, अब उसकी होगी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यानी प्री मतलब पहले और क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल, यानी कि जो क्लिनिकल जितने से जो डॉक्टर जो पेशेंट को देखते हैं उसको क्लिनिकल बोलते हैं, यानी क्लिनिकल से पहले की ट्रायल, और वो सब होती है एनिमल में। और एनिमल में सारे एनिमल पे तो नहीं कर सकते, यानी कि उसके लिए भी एक स्पेसिफिक एनिमल्स चूज किए जाते हैं कि कौन से एनिमल हम उस दवा के लिए ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मेडिसिनल जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सपोज करिए, तो क्या हम मेल के ऊपर नहीं करेंगे ना उसका ट्रायल, फीमेल के ऊपर करेंगे। तो उसके लिए होते हैं रेट्स, यू नो, और वो रेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के रेट्स, विस्टार रेट हो गया और एसडी रेट हो गया और भी बहुत सारे रेट, यू नो, और माइस होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेट्स के बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, उन पे सबसे पहले प्रयोग होता है। और रेट से बता दो भाई कि मेरा भी रेट का जो होने वाला है, यू नो, मैं मास्टर कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी से, तो मुझे भी रेट पर ही, यू नो, मेरा सारे जितने सारे रिसर्च है रेट्स पर ही होने हैं, तो मैं जो है रेट्स आ गए हैं और मुझे भी रेट्स पर करने को मिलेगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर जरूर करूँगा। तो वो जो रेट्स होते हैं ना, रेट्स को इसलिए लिया जाता है क्योंकि रेट्स जो है ना वो स्तनधारी जीव है और उनका जो यू नो जितनी सारी फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जितनी एनाटॉमी है, वो हमारे शरीर से मिलती जुलती है, इसलिए रेट को लिया जाता है। और रेट सबसे छोटा जानवर है, यू नो, और रेट को जो है केयर करने में बहुत आसानी है, आसानी से केयर कर सकते हैं भाई, छोटी सी जगह केज में रख दिया, और बड़े जानवर को करेंगे तो भाई कहाँ कहाँ से लाएंगे। तो रैट को, यू नो, रैट एक स्पेसिफिक एनिमल है, किसी भी रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च में रैट को ही सबसे पहले यूज़ किया जाता है। उसके बाद रैट के बाद क्या होता, अब जब जैसे मान लीजिए वो ड्रग रैट में, वो ये होगा कि हाँ ये ड्रग हमने ट्राई किया और ये इस ड्रग का इफेक्ट जो है पॉजिटिव आया, हाँ, उसके बाद क्या होगा, उससे बड़े जानवर में होगा, फिर खरगोश में होगा, इससे फिर उससे बड़े जानवर में बिल्ली में होगा, फिर जाके यू नो कुत्ते में होगा, फिर उसके बाद बंदर में होगा, फिर उसके बाद जब बंदर में हो जाएगा, हो हवा के सारी बातें होके, और ये सारी चीज़ें जो होती है अंडर रेगुलेशन होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है डिफरेंट टाइप की, उन सभी अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि भाई हम ये रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे नहीं आप छुप छुपा के कर सकते। और एनिमल्स के जो हैंडलिंग होती है उसको, उसके भी एक यू नो हर चीज़ का एक नियम कानून बना हुआ कि हम किसी चूहे को ऐसे नहीं उठा कर ले, ऐसे कुछ भी कर दिए, इंजेक्ट कर दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसे नहीं, हमें हर एक चीज़ वेल प्लान्ड और यू नो एक अच्छे एक प्रॉपर वे से एक क्राइटेरिया बताया जाता है जिसको हम बोलते हैं CPCSEA गाइडलाइंस। अंडर द CPCSEA गाइडलाइंस के थ्रू यू नो सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे CPCSEA गाइडलाइन, तो आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा। अब मान लीजिए हो हुआ कि भाई सारी बातें बन गई, अब उसके बाद क्या होगा, हमको हेल्दी वॉलेंटियर चूज करने पड़ेंगे। हेल्दी वॉलेंटियर्स यानी कि वॉलेंटियर्स कौन, वही इंसान, यानी कि उनको वॉलेंटियर्स बोलते हैं। पहले 200 इंसानों की वो ट्रायल होगा, चाहे वैक्सीन के रूप में, अगर ड्रग है तो ड्रग के रूप में, किसी भी फॉर्म में, जो फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है कि भाई इसका यू नो डोजेस फॉर्म, कौन सा डोजेस फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उस डोजेस फॉर्म में उसका ट्रायल होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो ट्रायल भी सक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर होगा ये कि जितने हम लेंगे 500 से 600 वॉलेंटियर, ऐसे वॉलेंटियर जो बीमार हैं, जो जिस डिजीज़ के लिए वो ड्रग है, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, उन सभी वॉलेंटियर पे उसका ट्रायल होगा। उसके बाद उसका इफेक्ट देखा जाएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट देखने के बाद उसका साइड इफेक्ट भी देखा। देखिए, अगर किसी भी चीज़ का, चाहे हम कुछ भी खाते, चाहे पानी ही पीते हैं, अगर किसी भी चीज़ का इफेक्ट है तो उसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट जरूर होगा। अगर एक लीटर पानी पी रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, एक बार में आप 10 लीटर पानी पीकर देखिए, उसके बाद देखिए क्या होता है।
तो भाई साइड इफेक्ट हर एक चीज का है, ऐसा मत बोलिए कि खाने का साइड इफेक्ट नहीं, हर एक चीज का। वो जो बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, वो क्या है, वो साइड इफेक्ट ही है भाई। तो ये सारे देखिए साइड इफेक्ट चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखिए एक ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करेंगे ना भाई दवा, तो दवा सेफ होना भी तो जरूरी है, सेफ्टी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और उसके लिए होता है फार्माकोविजिलेंस, एक ब्रांच होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यू नो उनको क्लिनिकल ट्रायल्स, डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर में ही ये सारे जो ह्यूमन पे ट्रायल होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, पोस्ट के यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, यू नो उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, उसके बाद फिर होता है पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद जब ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती है, सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर ले जाते हैं कि हाँ ये ड्रग सेफ है और ये ड्रग इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, ये इतना मतलब कि देखिए बिल्कुल तो सेफ नहीं हो सकती कोई ड्रग, साइड इफेक्ट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि इंसान भाई उसको लकवा मार जाएगा कुछ और हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट रहता ही है। उसके लिए भी फिर अंडर यू नो बहुत सारी फार्माकोविजिलेंस के थ्रू उसको चेक किया जाता है डे बाई डे। तो बहुत सारे डिटेल में मैं नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो क्या हुआ भाई, चीज़ें हो गई, उसके बाद होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस यानी कि मार्केट में हमें लॉन्च करना है उस दवा को, तो वो होने के बाद मार्केट में दवा आती है, उसके बाद MR जाते हैं भाई, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद दवा आती है आपके पास, दवा खाते हैं। और इन सभी प्रोसेस में भाई बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। आप बोलते हैं ना दवा भाई बहुत महंगी है, ये दवा बहुत महंगी है, दवा महंगी इसलिए रहती है भाई, उन पर रिसर्च जो होता है ना उस पर कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, तो भाई पैसा भी तो निकालना है उसको। और जितनी ज़्यादा यू नो जितनी ज़्यादा बड़ी बीमारी की दवा उतना ज़्यादा महंगा। अब बुखार की एक दवा ले लेंगे भाई, 1 रुपये की भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहीं पे कोई ऐसी दवा लेने जाएंगे भाई, कैंसर की दवा लेने जाएंगे, तो आपको हो सकता है 1,000 में भी ना मिले। तो डिफरेंट टाइप के यू नो दवाएँ हैं, और डिफरेंट टाइप के उनके अपने इफेक्ट हैं, और हर दवाओं का अपना एक वैल्यू है। और हर टाइप की जो दवाएँ हैं हम स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो दवा रहती है उसको यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।